चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज चेक वॉइस इज क्लियर और नॉट। किसी का कुछ भी आया इस क्वेश्चन का? 38 सबका। थर्टी एट आ रहा है सबका। आवाज आ रही है प्रदीप? लास्ट क्लास में जब हम लोग मिले थे तो हमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। हम लोग पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग और इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है ट्रैफिक चल रहा है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन था, द रिजल्ट ऑफ स्पीड स्टडी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फाइंड द टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड। हमें टाइम मीन स्पीड एंड स्पेस मीन स्पीड निकालनी है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ टेबल। एक छोटी सी हम टेबल ले रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम लोग समझ सकें। कितनी दी हुई हैं रेंजेस? रेंजेस आर 2 से 1 जो रेंजेस दी हुई है वो एक बार बता दीजिए कि क्या क्या रेंजेस दी हुई है। 2 से 1 तो 5 है, 2 से 5, 6 से 9, 10 से 13, 14 से 17। और यहाँ अगर मैं फ्रिक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ फ्लो यानी कि क्यू की बात करूँ तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू और ये है वैल्यू ऑफ वी। तो क्यू की वैल्यू की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? 1, 4, 0 एंड 7। यही कुछ वैल्यूज दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, है ना? समझ में आ रही है इतनी बात? अब मुझे क्या निकाल लेना चाहिए यहाँ से? अगर मैं देखूँ तो एवरेज स्पीड सबसे पहली मेरी नीड है। सबसे बड़ी नीड क्या है मेरी? एवरेज स्पीड। क्योंकि ये तो खुद ही क्यू आई लिखा हुआ है, इसको तो मैं कुछ भी कर ही नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्यू आई क्यू लिख दिया मैंने। एक व्हीकल ऐसा है जिसकी स्पीड 2 से 5 के बीच में है, 4 व्हीकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 6 से 9 के बीच में है, 0 व्हीकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 से 13 के बीच में है, और 7 व्हीकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 14 से 17 के बीच में है। तो अगला चीज अगर मैं देखूं तो मुझे निकाल लेना चाहिए क्या
एवरेज स्पीड। अगला मुझे जो निकालना चाहिए, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मुझे क्या निकालना चाहिए बताओ? एवरेज स्पीड निकालना चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना चाहिए। अगर मैं एवरेज स्पीड निकालने जाऊं तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7, और 7 का आधा 3.5, 3.5 यहां आ जाएगा, और 9 और 6 15, और 7.5 यहां आ जाएगा। यहां कितना आ रहा है? 11.5, एंड द लास्ट वन कितना? किए ही नहीं है मतलब, है ना? अपन ने क्या ही करके आए अपन घर पे फिर? अगर एवरेज स्पीड कितना? 12.5, 12.5, और ये अगर स्पीड आ गई है तो इसको ही मैं क्या वी आई बोल सकता हूँ, वी आई बोल सकता हूँ। हाँ है ना? अब हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा नीड है जो कि मैंने कल लिखवाई हुई थी। एक तो क्या वी आई क्यू आई, और एक क्या क्यू आई अपॉन वी आई। हाँ जी, कौन से? ये वाला कितना है? मतलब इन लोगों ने क्या किया ही नहीं तुम लोगों ने घर जाके? तुम लोग करते क्या हो यार? चलिए, दो चीजों की जरूरत है मुझे, वी आई क्यू आई एंड क्यू आई अपॉन वी आई। तो यहां मैंने निकालने के लिए कोशिश की क्या वी आई क्यू आई, तो पहला ये निकाला कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वी आई इंटू क्यू आई 3.5 खुद ही आ जाएगी। दूसरा 4 × 7.5, सेकेंड 4 × 7.5 30, तीसरा 0, एंड द लास्ट वन 7 × 15.5, 7 हाँ 108.5, 108.5। इधर आ जाओ भैया, उधर से ही आ जाओ, देखो ट्राई करो, कोशिश करो। निकल गए फिर? हाँ जी, समझ में आया। और क्या निकाल लेना है? क्यू आई अपॉन वी आई। और क्या निकाल लेना है? क्यू आई अपॉन वी आई, और इनका रीजन मैं कल आपको लिखा चुका हूं। तो ये कितनी वैल्यू आई? क्यू आई अपॉन वी आई, क्यू आई अपॉन वी आई कितना आ रहा है? 0.28 पहला वाला, दूसरा दूसरा 0.53, तीसरा देख लीजिए आराम से 0 ही आएगा, एंड द लास्ट वन 0.54, 0.545। क्लियर है मेरा बात? अब यहां से, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? हैप्पी। अब यहां से हमें एक्चुअली में क्या निकालना है? इनका समेशन। तो समेशन ऑफ क्या वी आई, या सॉरी समेशन ऑफ क्यू आई चाहिए मुझे मेन। तो समेशन ऑफ क्यू आई कितना आ रहा है? 7 और 5 12, और ये वाला समेशन ऑफ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समेशन ऑफ वी आई क्यू आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 142, 142। कुछ और आगे नहीं है। इसका कितना आ रहा है यहां पर?
समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन वी आई कितना? 1.26. और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको दो चीजें निकालने को बोला गया था, एक तो बोला गया था टाइम मीन स्पीड, क्या बोला गया था? टाइम मीन स्पीड पहला जो बोला गया था दैट वॉज टाइम मीन स्पीड, एंड उसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था यहां पर आपको, टाइम मीन स्पीड को किससे दिखाते हैं? VT से, एंड VT इज इक्वल टू क्या था? समेशन ऑफ वी आई क्यू आई अपॉन समेशन ऑफ क्यू आई। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? वी आई क्यू आई कहां है? 142, 142 डिवाइड बाय 12। व्हाट इज द आंसर? 11.83 kmph, एंड इट इज VT, विच मीन्स मैंने ऊपर गलत लिख दिया है। इट शुड बी VT। तो ये पहला आंसर तो ये निकल के आया मेरे पास। एंड द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन, और वो क्या निकालना है? स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, एंड हाउ मच? इट इज डिनोटेड बाय वी एस से, यस और नो? वी एस ही डिनोट करते थे। एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्यू आई बाय वी आई। समेशन ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू 12, एंड ये हमने निकाला है 1.26। व्हाट इज आंसर वी एस? 9.52। द यूनिट शुड बी kmph। नोट डाउन कर लेंगे, वैसे तो आ जाना चाहिए था आप लोगों का।
इस क्वेश्चन को कोई नॉर्मल मेथड से, जैसे कि हम लोग बात करें कि सर पिछला जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था क्या करते थे कि सर जनरली हम लोग स्पीड इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करके अपन एन से डिवाइड कर देते थे, हाँ है ना? तो वो उस तरीके से कोई समझा सकता है कि सर क्या ये वही है कि कुछ अलग फॉर्मूला है, क्या ये याद करने पड़ेंगे? अगर मैं बोलूँ कि मेरे को नहीं निकालना है, मेरे को ये निकालना ही नहीं है, मैंने बोला कि ये कुछ नया नहीं है, ये वही है कि पहले मैं टाइम मीन स्पीड कैसे निकाल रहा था और पहले मैं स्पेस मीन स्पीड कैसे निकाल रहा था, उन्हीं चीज़ों की बातें अगर मैं बोलूँ, तो क्या आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? आपको नहीं पता, सपोज कि मैंने कल ये नहीं लिखा है, मैं अगर ये लिखाऊं ही नहीं, तो अगर मैंने नहीं लिखा है विच मीन्स नहीं देखा, हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता है कि सर हमने जो टाइम मीन स्पीड पढ़ी है वो अर्थमेटिक सम, और जो हमने स्पेस मीन स्पीड पढ़ी है यानी कि हार्मोनिक सम, वो पता है बस हमें। नहीं आया बस समझ में? हमको पता था ना समेशन ऑफ, है ना? तो वो जो मेथड है क्या हम उससे निकाल पाएंगे इसको? और मुझे बताइए कि क्या उससे आ रहा है? सपोज मुझे नहीं पता, मुझे नहीं निकालना, इतना मुझे निकालना ही नहीं, वी आई क्यू आई, मैं यार एग्जाम में तो मैं पागल हो जाऊंगा ना, मैं परेशान हो जाऊंगा कि अगर मैं इस चीज को डिफाइन करने बैठ गया और मुझे नहीं पता, सपोज इतना सा आ गया, मैं पढ़ा के चला गया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि इस टाइम मीन स्पीड क्या होता है अर्थमेटिक सम और वो क्या होता है हार्मोनिक सम, तुमने निकाला और तुमने वही आता है। अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया इस फॉर्मेट में, ये दो चीजें तुम्हें लिख के दी दी गई, अब तुम्हें निकालना किस मेथड से? सर उसी मेथड से, वो जो पुराना वाला मेथड है उसी मेथड से निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? अरे बताओ जी कैसे निकाल सकते? मैंने बोला था ना कल जस्टिफाई करके लेके आना है, बोला था कि नहीं बोला था? बताओ बताओ, मुझे तुम निकाल के बताओ मुझे तो तुम, कि सर क्या उस मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ मैंने ये पूछा, और उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आना चाहिए ना। अगर ये मेथड वही मेथड है, अगर ये मेथड वही मेथड है तो उससे आना चाहिए। कौन सा ये VS आ रहा है? कैसे? विकल तो 12 है, सही बोल रहा है वो, गलत थोड़ी ना है वो। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सर व्हीकल जो है वो 12 है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर 12, गलत थोड़ी ना बोल रहा है वो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमें इसी लेवल तक पहुंचना है इस क्लास के अंदर, हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब ही क्या कि जब छोटी चीज पढ़ी जाए तो उसको बड़ी चीजों में यूज करना। अगर हमें इतना ही पढ़ना है सब किसी यहीं से, अगर पेपर आ जाएगा तो फिर सब सब टॉप ही कर जाओगे ना। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता, कल ये मैं लिखवा दिया था, अब अगर ये मैंने लिखा हुआ है तो विच मीन्स उस फॉर्मूला से ही तो लिखा होगा, कुछ अलग तो नहीं लिखा होगा, हाँ है ना? क्योंकि निकल के सर मैं उसी को बोल रहा हूं, टाइम इन स्पीड, और टाइम इन स्पीड कैसे निकालते थे? व्हीकल की क्या स्पीड, सम ऑफ द व्हीकल्स स्पीड प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। और अगर ये सत्य है तो ये आना भी चाहिए। आइए देखते हैं जरा, सर इसका एवरेज तो ये लेना पड़ेगा। पहली बात मैंने, क्योंकि सर एवरेज लेना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि सर मैं एक ही व्हीकल को दो पे मानूं कि पांच पे मानूं, तो ऑन द एवरेज मान लें, ऑन द एवरेज मान लें, तो सर एक व्हीकल जो है वो 3.5 की स्पीड से चलता है। देखेंगे जरा, मैं छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। एक व्हीकल जो है सर वो 3.5 की स्पीड से चलता है, तो मैंने निकालना है क्या VT, सॉरी मैंने निकालना है क्या VT, मुझे नहीं पता ये सब, तो
तो मैंने क्या किया सर, एक व्हीकल है 3.5 की स्पीड से चलता है, सर चला लीजिए। प्लस सर चार व्हीकल हैं जो 7.5 की स्पीड से चल रहे हैं, सर चार, एक नहीं चार व्हीकल। तो सर 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5। अगर आप मुझे बोलें कि सर ऐसे लिखने की बजाय क्या आप आसानी से नहीं लिख पा रहे हो, तो मैंने बोला कि लिख देंगे यार, क्या क्या लिख देंगे, 4 into 7.5 से, यस और नो, समझ में आया। सर जीरो व्हीकल हैं, कितने सर शून्य व्हीकल हैं जो कि 11.5 की स्पीड चल रहे हैं, जब शून्य है तो मैं क्यों लिखूं, और लिखना हो तो लिख दो। सर कितने व्हीकल, सर शून्य व्हीकल, कितने की स्पीड से, सर 11.5 की स्पीड से, वो अपने आप ही जो भी शून्य में मिला वो अपने आप ही क्या हो जाता है, शून्य, हाँ या ना। सर उसके बाद मुझे सात व्हीकल दिख रहे हैं, सात, कितने सर, सात व्हीकल दिख रहे हैं सर जो कि कितने की स्पीड से चल रहे हैं, सर सात व्हीकल 15.5 की स्पीड से ऑन एन एवरेज। तो सर मैं अलग अलग लिखूं कि इकट्ठा लिख दूं, मैंने इकट्ठा लिख दिया, 15.5 होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ व्हीकल है सर, एक, पांच और सात, 12 डिवाइड बाय 12, क्या सर यही आ रहा है, क्या सर यही आ रहा है, हाँ सर यही आ रहा होगा, 11.83 kmph, अलग आ ही नहीं सकता है, अलग आ ही नहीं सकता है। समझ में आ रही मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, हाँ है ना। तो विच मीन्स ये भी तो वही लिखा है, ये मैं क्या अलग से लिख रहा हूं सर, इसको जब आप जोड़ रहे होंगे तो 142 आ रहा होगा, जब इसको जोड़ रहे होंगे तो 142 आ रहा होगा, विच मीन्स ये फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला के टर्म में लिखा गया है, ये चीज जो फॉर्मूला के टर्म में लिखी हुई है वो सेम यही है, कुछ अलग नहीं है। बात समझ में आ रही। अब क्या इसको भी लिख सकेंगे, हाँ सर इसको भी लिख सकेंगे, कैसे सर, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। सर होता क्या था, सर n अपॉन नंबर ऑफ व्हीकल, n अपॉन समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, और क्या 1 अपॉन vi, यही करते थे। तो फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे लगाना है, कैसे लगाओगे सर, जितना लिखा हुआ है 12 को ऊपर रखो और डिवाइड बाय करके मुझे बताओ कि सर 1 अपॉन 3.5 प्लस कितनी बार, सर चार बार, 1 अपॉन 7.5 चार बार, और प्लस जीरो को छोड़ दो 1 अपॉन 15.5 कितनी बार, सात बार। करके बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, जल्दी समझ पा रहे हैं आप कि हम लोग जो पढ़ते हैं यहां पर उसका एनालिसिस, उसको आपको पेपर के अंदर किस तरीके से करना है वो यही पार्ट है। हर एक चीज जो भी लिखी जाती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसको दो ही फॉर्मूला, दो टाइप की फॉर्मूला है, या तो वो इंपीरिकल है या फिर वो किसी ना किसी तरीके से बनाए गए हैं, हाँ है ना। इंपीरिकल मतलब क्या, सोचा समझा और जो पाया वो लिख दिया, हाँ है ना, बोलो छोटू, लेकिन वो हमें नहीं समझाया गया इतना डिटेल में, है ना छोटू। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तुम घर पे, कल किए हो, बोलो हाँ किए हैं, अरे बोलो बेटा बोलो, आ गया तो बस फिर कुछ बचा ही नहीं। हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग आगे जाके देख रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। क्या देख रहे हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, या पहला ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज, हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रैफिक कैपेसिटी
ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज, इसके अंदर जो फर्स्ट लिखना है अपने को वो पहला लिखना है। वैसे मैं एक बार शायद लिखवा चुका हूँ। पहला है ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम पहला क्या? ट्रैफिक वॉल्यूम लिखेंगे इसके बारे में। हाँ जी, लिखेंगे इसके बारे में। ट्रैफिक वॉल्यूम, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी हेडिंग डालेंगे और पहला लिखेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम, उसके बारे में बता रहा हूँ। लिखिए, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम, अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम, नीचे लिखिए फुल स्टॉप। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल्स पर आवर और व्हीकल्स पर डे, व्हीकल्स पर आवर और व्हीकल्स पर डे, व्हीकल्स पर आवर और व्हीकल्स पर डे लिखा। अगला लिखिए ट्रैफिक डेंसिटी, सेकेंड पॉइंट ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी लिखिए इसके अंदर, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ लेन, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ लेन, ऑफ रोडवे एट अ गिवन इंस्टेंट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट कितनी क्या हो जाएगी? देखिए, समझिए जरा दोनों चीजों को, समझिए। ट्रैफिक वॉल्यूम एक्चुअली में क्या बता रहा है एक बार समझ लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रैफिक वॉल्यूम आपको क्या बताता है कि सर किसी भी रोड पे, किसी भी पर्टिकुलर रोड पे कोई मैंने स्पेसिफाइड जगह कट की, मतलब ये सेक्शन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे देखना है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, पहला आया वो पास किया, दूसरा आएगा वो पास करेगा, वो पास करेगा, चौथा आएगा वो पास करेगा, वो पांचवा आएगा वो पास करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन को किसकी बात चल रही है? ट्रैफिक वॉल्यूम की। किसकी बात चल रही है? ट्रैफिक वॉल्यूम की। इस पर्टिकुलर लाइन को
कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी स्पेसिफाइड टाइम में क्रॉस कर रहे हैं? क्या बोला मैंने? इस लाइन को, इस क्रॉस सेक्शन को, इस सेक्शन को कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पर्टिकुलर टाइम में क्रॉस कर रहे हैं? इट कैन बी आवर, इट कैन बी मिनट, इट कैन बी सेकेंड, इट कैन बी डे। हाँ है ना? तो इसको क्या बोला गया? ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम। हाँ है ना? जैसे किसी सिग्नल को, अगर मैं सिग्नल को स्पेसिफाइड पॉइंट मान लूं तो उस पर्टिकुलर सिग्नल को कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं, कितनी देर में? सपोज एक घंटे में, तो उसको मैंने क्या बोला? वहां का ट्रैफिक वॉल्यूम। समझ में रहेगा? याद तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट कई बार याद रहनी रखनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई सर? क्या हो जाएगी सर? कितने व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं कितनी देर में? सर आवर। कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं किसी किसी कितनी देर में किसी क्रॉस सेक्शन को? तो यूनिट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर। बोलो हाँ है ना? कोई डाउट नहीं। ट्रैफिक डेंसिटी की जब बात आती है तो ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब क्या कि सर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेच है, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेच है किसका? रोड का। किसका सर? रोड का। उस रोड के सेक्शन पर सपोज मैंने इस स्ट्रेच को मान लिया कितना, सपोज मैंने मान लिया इसको 1 किलोमीटर, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। कितना माना मैंने? 1 km। अब इसमें कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ पा रहे हैं? अब क्या ये एक जैसी व्हीकल होंगे? नहीं सर। तो इसीलिए हम लोग यहां पर एक यूनिट लेके आते हैं, पैसेंजर कार यूनिट। नाम सुना होगा, पीसीयू, पीसीयू पैसेंजर कार यूनिट। क्योंकि यहां पर कोई व्हीकल बड़ा, कोई व्हीकल छोटा, कोई व्हीकल और बड़ा, कोई व्हीकल और छोटा, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा, मुझे क्या पता है क्या? नहीं। तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच में आ रहे हैं उसको मैं क्या बोल रहा हूं? डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, पीसीयू तो मतलब मैंने क्या बोला, पीसीयू का मतलब क्या कि हम जैसे हमने बड़े छोटे सारे बनाए हैं, अब अगर लेकिन क्या हुआ, मैं पीसीयू का यूज करके क्या करता हूं, मैं सबको इक्विवेलेंट मानता हूं, और मानना भी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? सब बिल्कुल डिक्टो एक जैसे होंगे, सब बिल्कुल डिक्टो एक जैसे होंगे। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? तो वो तो पीसीयू का यूज करके आगे पढ़ेंगे हम। अभी क्या कि ट्रैफिक डेंसिटी की बात चल रही है कि सर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच में, मतलब लेंथ ऑफ रोड में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल होंगे, सबके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रैफिक डेंसिटी। और ट्रैफिक डेंसिटी की यूनिट अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगी? व्हीकल पर, व्हीकल पर, व्हीकल पर किलोमीटर। तो लिख लो वहां नीचे यूनिट, लिख लो वहां नीचे यूनिट। हाँ जी, डेंसिटी में टाइम का नहीं, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं यहीं पर पर्टिकुलरली, क्या सपोज कीजिए ये जो डायग्राम है, इस सेक्शन को मैंने जो ऊपर सेक्शन कट किया था उसी टाइप का सेक्शन मैंने यहां लिया, बिल्कुल कहां? लास्ट पॉइंट पर। इस सेक्शन को नाम दे दिया ए, ए। क्या नाम दे दिया दोस्त? ऊपर ए नीचे ए, मतलब सेक्शन ए। और मैं यहां नंबर ऑफ व्हीकल मान रहा हूं कि के जो है, के इज नंबर ऑफ व्हीकल, के क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ व्हीकल है। कितने नंबर ऑफ व्हीकल? के, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच में, मतलब 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में। हाँ है ना? तो वो लिख लेंगे हम लोग कि लेट के इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग 1 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच। लेट, लेट, लेट के इज द,
के इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए क्या बोल रहा था मैं, हाँ जी, हाँ, अब क्या हो रहा है, मैंने इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में कितने नंबर ऑफ व्हीकल माने, के नंबर ऑफ व्हीकल, और इफ ईच व्हीकल, हर एक व्हीकल, इफ ईच व्हीकल इज अ ट्रेवलिंग, इज अ ट्रेवलिंग विथ अ वी के एम पी एच, वी किलोमीटर पर आवर स्पीड, कितने स्पीड के साथ चल रहा है, इतनी स्पीड के साथ चल रहा है, इतनी स्पीड के साथ चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये लास्ट वाला व्हीकल है, टाइम टेकन बाय लास्ट व्हीकल टू रीच द सेक्शन, टाइम टेकन बाय द लास्ट व्हीकल टू अप्रोच सेक्शन ए ए, टाइम कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाय द लास्ट व्हीकल, द लास्ट व्हीकल टू अप्रोच, टू अप्रोच सेक्शन, सेक्शन बताओ कौन सा ए, कितना समय लगेगा, अगर के नंबर ऑफ व्हीकल है, मैंने बोला ठीक है नंबर ऑफ व्हीकल इज द के, एंड इफ ईच व्हीकल, हर एक व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है, सेम स्पीड से, वो कौन सी है, वी किलोमीटर पर आवर, तो ये लास्ट वाला जो व्हीकल है उसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताओ जल्दी जल्दी कितना समय लगेगा, 1/vkmph, हाँ है ना, 1/1 क्या है, डिस्टेंस, कितनी, 1 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या निकला, क्या आएगा, टाइम, तो 1/vkmph,
वन अपॉन वी के एमपीएच, और के एमपीएच क्या है यहां पर, किलोमीटर पर आवर। के एमपीएच क्या है यहां पर, किलोमीटर पर आवर। आगे मैं अगर इसमें बात करूं, लिख लेना थोड़ी देर से इसको, बहुत जल्दी में हो रहते हो, पता नहीं क्या, रुक जाओ बोल तो रहा हूँ, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं ना, ट्रैफिक खत्म होने दो, मैं खुद स्पीड बढ़ा दूंगा, मैं खुद बोलूंगा, लिखते चलना है ना। अभी क्या है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई ना, तो जब मैं सिग्नल पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आगे हम बात कर रहे होंगे, देखो दो टर्म ये तुम सच बता नहीं ईमानदारी, तुम लोगों को लग रहा है कि तुम इन दोनों टर्म में डिफरेंशिएट कर पाओगे वहाँ? अगर बिना पढ़े यहाँ से चले गए तो उस डेफिनेशन को भी पढ़ के तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम कर पा रहे हो ढंग से कुछ? दोनों दोनों एक जैसे लगते हैं सर, ट्रैफिक का वॉल्यूम और ट्रैफिक की डेंसिटी, पानी की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो पानी का वॉल्यूम और पानी की डेंसिटी एक ही चीज़ है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ऐसी दोनों ये चीज़ें अलग अलग हैं, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पर पानी में समझ में आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं इसको थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अभी भी मैं पूछ लूँ ना ये सब मिटा के, तो तुम लोग पता नहीं, दो बच्चे तो क्यों छोटू, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है बताओ? देखो कितने व्हीकल आते हैं। चलो बात क्या है यहां से, कि अगर मैं बात करूं कि Q इज द ट्रैफिक वॉल्यूम, Q इज द ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर मैंने माना कि Q जो है वो ट्रैफिक वॉल्यूम है, Q इज द ट्रैफिक वॉल्यूम, और ट्रैफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन अभी अभी छोटू ने बताई, ट्रैफिक वॉल्यूम, और अगर Q इज ट्रैफिक वॉल्यूम होगा तो Q की यूनिट क्या होगी? इन व्हीकल पर आवर, इन व्हीकल पर आवर, बोलो हाँ या ना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि व्हीकल पर आवर होगी। देन के नंबर ऑफ व्हीकल्स विल क्रॉस सेक्शन ए ए, देन के नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस द सेक्शन के नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस द सेक्शन ए ए ए डैश ए इन ए डैश ए इन कितने समय में? समझ में आई बात मैं क्या पूछ रहा हूँ? इन अ टाइम, मुझे क्या चाहिए? इन अ टाइम, लो एक वर्ड और लिख दिया, इन अ टाइम, कितना समय में निकलेंगे? अब पूरा एक बार देखो मुझे बताओ ये निकाल के, कि के व्हीकल कितने देर में निकलेंगे, कितना समय चाहिए उसको? हाँ, क्यू बाय व्हीकल, के जो है नंबर ऑफ व्हीकल, अगर मैं पूछूं मैं इन टाइम, इन पर्टिकुलर टाइम, टाइम को कांस्टेंट मान लो, तो इन पर्टिकुलर टाइम कितने नंबर ऑफ के ही निकालना है मुझे, मैं तो के ही निकाल रहा हूं, अब बताओ। चलो छोड़ो, के नंबर ऑफ व्हीकल है, क्यू क्या है? क्यू ट्रैफिक की डेंसिटी है इन वॉल्यूम, व्हीकल पर आवर, हाँ है ना, और के क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल, के क्या है? वॉल्यूम ऑफ, के क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस सेक्शन ए पर, और क्यू क्या है? ट्रैफिक की वॉल्यूम, हाँ है ना। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं तो के अपॉन क्यू, के अपॉन क्यू, और के की यूनिट काय में आएगी बताओ? के अपॉन क्यू, और के भी काय में होगा एक तरह से देखा जाए, ट्रैफिक की क्या बता रहा है? के व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर और क्यू काय में होगा? क्यू तो क्या है? ट्रैफिक वॉल्यूम है, तो व्हीकल पर आवर, व्हीकल से व्हीकल कैंसिल आउट, किलोमीटर पर आवर, सॉरी आवर पर किलोमीटर, हाँ है ना। तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स निकलते हैं ये आ जाएगा। चलिए आगे अगर मैं थोड़ा सा यहां से बढ़ूं, तो यहां से ऑन वी को जो ऊपर निकल के आया मेरा वो, और ये सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि ऊपर क्या निकल रहा था, कितने नंबर ऑफ व्हीकल निकल रहे हैं?
लास्ट वाली विकल्प कितना समय लग रहा हो, ये भी वही दिखा रहा है। तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू के अपॉन क्यू, ये समझ में आया यहां तक। अगर मैं इस चीज को लिख रहा हूं तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के वी। क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्यू ऊपर चला जाएगा और के वी नीचे आ जाएगा। अब क्यू क्या है यहां पर, क्यू क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम, और के क्या है, के है नंबर ऑफ व्हीकल, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है ट्रैफिक की डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और वी क्या है, ट्रैफिक की स्पीड है, वी भाई सबकी ही ना, तो ट्रैफिक की स्पीड है, हाँ उस ट्रैफिक की सबकी सेम ही तो है, ट्रैफिक की स्पीड है। अब अगर मैं ट्रैफिक की स्पीड बता रहा हूं तो दो टाइप की स्पीड पड़ी हुई है मैंने, एक टाइम मीन स्पीड और दूसरी स्पेस मीन स्पीड। तो ये कौन सी है, टाइम मीन स्पीड की स्पेस मीन स्पीड, ये कौन सी है, टाइम मीन स्पीड या स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड। तो यहां लिख लेना दैट इज स्पेस मीन स्पीड, लिख लीजिए। हाँ जी, वन बाई की ये बता दूं, देखो ऊपर जो निकाला मैंने टाइम टेकन बाय लास्ट व्हीकल टू अप्रोच सेक्शन ए, लास्ट वाले व्हीकल को कितना समय लग रहा है, सर वन अपॉन ये। अब यहां से अगर सारे व्हीकल्स को देख लिया जाए तो ट्रैफिक की जो डेंसिटी है, सॉरी ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है, के क्या है के जो ट्रैफिक की डेंसिटी है अपॉन ट्रैफिक का अगर मैं वॉल्यूम देखूं पूरा का पूरा, तो उतना ही समय देगा मुझे। तो ये भी क्या दे रहा है, उतना ही समय, ये भी क्या दे रहा है, उतना ही समय। तो यहां से मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है, कहां से लिखना है वो डायग्राम बना लेना।
हो गया। हुआ हुआ। चलिए आगे लिखिए। टाइम हेड वे HEAD टाइम हेड वे। लिखिए इट इज द टाइम इंटरवल। सब हो गया ना ये पूरा का पूरा। टाइम हेडवे लिखेंगे। इट इज द टाइम इंटरवल। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पासेस ऑफ बिटवीन द पासेस ऑफ रियर बंपर्स ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। रेयर बंपर्स ऑफ सक्सेसिव व्हीकल एट अ पॉइंट। सक्सेसिव व्हीकल्स इन अ पॉइंट। सक्सेसिव व्हीकल्स एट अ पॉइंट। सॉरी इन अ पॉइंट नहीं एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट है ना। मतलब क्या कि सर पर्टिकुलरली कोई भी क्रॉस सेक्शन है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से सपोज कीजिए अभी अभी एक गाड़ी निकल के गई। कौन निकल के गया? एक पर्टिकुलर व्हीकल निकल के गया। उसका लास्ट वाला पॉइंट ये है। अब ये व्हीकल के पीछे दूसरा वाला व्हीकल होगा? बोलो हाँ। ये व्हीकल के पीछे दूसरा वाला व्हीकल होगा हाँ या ना? और इसके रियर बम्पर्स यानी कि कौन से बम्पर होंगे बताओ? मतलब ये वाला जो सेक्शन है कौन सा वाला सेक्शन सर?
ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, जब तक इस क्रॉस सेक्शन AA को वो क्रॉस नहीं कर जाता, या फिर दूसरे शब्दों में जितना समय इसको इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को पार करने में लगता है, क्रॉस करने में लगता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलो, टाइम हेडवे, टाइम हेडवे। बात समझ में आ रही है? उसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, टाइम हेडवे। हाँ है ना, टाइम टू क्रॉस दिस डिस्टेंस। अगर मैं पूरा लिखूं, अगर मैं पूरा ही लिखना चाहूं, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, टाइम टू क्रॉस, टाइम टू क्रॉस दिस डिस्टेंस, टाइम टू क्रॉस दिस डिस्टेंस इज नोन एज, इज नोन एज क्या, टाइम हेडवे। क्या बोलेंगे बच्चे, समझ में आ रही है ना बातें, ये बाद में काम आएंगी, है ना। अभी क्या, सिर्फ हम छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं, बाद में इनको मर्ज करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो टाइम हेडवे समझ में आता है, चलिए। अगर मैं लिखूं, इफ एंटी व्हीकल क्रॉस ए इन टाइम, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं लिखना चाह रहा हूं, इफ कितने नंबर ऑफ व्हीकल, मान लो कितने, एंटी, एंटी बोले ना, नंबर ऑफ व्हीकल, मैंने यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल कैसे दिखाया, एंटी से, व्हीकल क्रॉसेस ए इन टाइम टी, एंटी व्हीकल्स क्रॉस ए इन अ टाइम टी। अगर टाइम टी में वो क्रॉस करते हैं, अगर वो टाइम टी में क्रॉस करते हैं, तो मेरे पास एनटी कितना होना, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम कितना होना चाहिए। अगर मैं लिखूं ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, ट्रैफिक वॉल्यूम फिर से क्या था, क्या ट्रैफिक वॉल्यूम भी कुछ ऐसी ही चीज थी क्या, कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को मैं किससे दिखा रहा था, क्यू से। तो यहां नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो जाएंगे, एनटी अपॉन टी, कि एनटी इज द नंबर ऑफ व्हीकल एंड टी इज द टाइम। एनटी की वैल्यू किस में आएगी, एनटी की वैल्यू आई व्हीकल में, एनटी की वैल्यू आई व्हीकल में, बोलो हाँ। और टाइम की वैल्यू किस में आई, आवर्स में। अब अगर मैं इसको ये देखूं कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं, तो मुझे क्या आवर्स, मतलब ये जो आवर है, ये टाइम है, मैं अगर इसको हेडवे के टर्म में लिखूं तो चलेगा क्या। हाँ है ना, हेडवे के टर्म में मैं इसको, अगर मैं टाइम हेडवे को एच से दिखा दूं,
इसको दिखा दूं, टाइम एडवे को मैं अगर एच से दिखा दूं तो नीचे क्या लिखा हुआ, पूरा का पूरा टाइम, क्यों क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम, सारे के सारे व्हीकल्स को एक पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना समय लगता है, वही था। हाँ यार छोटू, तो उसको मैं टी जो आवर है उसको अगर मैं बोलूं तो सारे सारे व्हीकल्स होंगे यहां पर भी, वही पर्टिकुलर सेक्शन ए है, एक क्रॉस कर गया, एक क्रॉस करने के जस्ट बाद दूसरे वाले को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है। अगर मैं सारे व्हीकल्स के इस टाइम को जोड़ दूं तो कहीं ना कहीं मेरे को टी आवर ही आएगा। तो इसको मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि क्यू इक्वल टू एन टी अपॉन समेशन ऑफ एच आई, वेयर आई इज इक्वल टू जीरो से एन, एक बार रिपीट कर देता हूं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो से एन, सॉरी एच आई, एच आई। कोई दिक्कत किसी को इसमें, बताइए। हाँ है ना। अब अगर आप बोलें तो मैं एन टी को भी नीचे लिख सकता हूं क्या, एन टी को अगर मैं चाहूं तो कुछ इस तरीके से कि वन अपॉन समेशन ऑफ, क्योंकि एन टी भी क्या है, व्हीकल है, नंबर ऑफ व्हीकल ही तो होंगे, बोलो हाँ है ना। तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन जीरो से लेकर एन एच आई अपॉन एन आई लिखा जा सकता है। अरे नंबर ऑफ व्हीकल थे वो, चलो एन टी। वैसे मैं एन आई लिखना चाह रहा हूं, तुम एन आई लिखना क्यों चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे व्हीकल्स को तोड़ रहा हूं ना मैं, समेशन में लगा दिया ना मैंने, समझ रहे हो, तो मैं एन आई लिखूं कि एन टी लिखूं, एन आई लिखना चाहिए ना मुझे। अब जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल होंगे वो आ जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं मैं एवरेज ले रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैं कहीं ना कहीं क्या ले रहा हूं, एवरेज, किसका एवरेज, टाइम हेडवे का, टाइम हेडवे का एवरेज ही ले रहा हूं ना। ये क्या हो गया, एच आई अपॉन एन आई, एच आई अपॉन एन आई हो गया ना। तो एक व्हीकल को कितना टाइम हेडवे लगा अपॉन दैट व्हीकल, तो दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन, मैं एच एवरेज लिख सकता हूं, हेडवे का एवरेज, हाँ है ना, एवरेज टाइम हेडवे। और किस में आएगा, एच किस में होगा, आवर में, और ये एन किस में होगा, व्हीकल, तो एच किस में होगा, आवर अपॉन व्हीकल्स में। अब ऐसी मुझे एक टर्म याद आती है जहां आवर अपॉन व्हीकल में कुछ था, तो अगर मैं चाहूं तो ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर मैं चाहूं ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, और ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर आवर, हाँ या ना, क्या हो जाएगी, व्हीकल पावर पर आवर, दैट शुड बी इक्वल टू वन अपॉन, ये वन से ही आया ना, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हेडवे। और यहां से मुझे ये भी समझ में आता है कि टाइम हेडवे की यूनिट क्या है, आवर पर व्हीकल, और होनी भी चाहिए व्हीकल पर आवर, इधर यूनिट आवर पर व्हीकल, कोई दिक्कत, मतलब यूनिट वाइज भी ये सही है। चलिए अगला लिखिए, स्पेस हेडवे,
अगला लिखेंगे स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द रेयर बम्पर, डिस्टेंस बिटवीन द रेयर बम्पर स्पेस हेडवे, अगली हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन द रेयर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल, ऑफ सक्सेसिव व्हीकल, सक्सेसिव व्हीकल इज कॉल्ड स्पेस हेडवे, इज कॉल्ड स्पेस हेडवे। इन अ कॉम फुल स्टॉप लगाइए, इन अ पर्टिकुलर लेन, इन अ पर्टिकुलर लेन, इन अ पर्टिकुलर लेन कॉमा लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द समेशन ऑफ स्पेस हेडवेज, समेशन ऑफ स्पेस हेडवेज, समेशन ऑफ स्पेस हेडवेज, समेशन ऑफ स्पेस हेडवेज। क्लियर है मेरी बात? और इसी तरीके से जब मैं ट्रैफिक वॉल्यूम को लिख रहा हूं तो इसी तरीके से आ जाएगा। डेंसिटी पर मैं करवा नहीं रहा हूं, सीधे सीधे लिख लीजिए क्या कि ट्रैफिक डेंसिटी या फिर डेंसिटी पर लेन, सीधे सीधे डेंसिटी, डेंसिटी पर लेन इज इक्वल्स टू वन अपॉन क्या एवरेज स्पेस हेडवे, एवरेज स्पेस हेडवे। हो गया। अगला लिखिए यहां पर ही आगे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ जी, अगली हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम थियोरेटिकल थियोरेटिकल कैपेसिटी। हेडिंग डाल लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी फ्रॉम स्पेस हेडवे। पहला फ्रॉम स्पेस हेडवे, पहला फ्रॉम स्पेस हेडवे, फ्रॉम स्पेस हेडवे। क्या हम लोग जानते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम पर लेन इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ना क्या, वी नो दैट, बताओ अभी भी पढ़ा है, वी नो दैट ट्रैफिक वॉल्यूम पर लेन इज इक्वल टू क्या होता है, दो टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम पर लेन इज इक्वल टू ये होता है डेंसिटी पर लेन इनटू स्पेस मीन स्पीड।
डेंसिटी इनटू स्पेस मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, यही होगा, बोलो हाँ है ना। और डेंसिटी पर लेन को थोड़ी देर पहले ही मैं कुछ और लिख के आया हूं, वन अपॉन क्या लिख के आया हूं, एवरेज, कौन सा स्पेस के टाइम, स्पेस हेडवे। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ट्रैफिक वॉल्यूम पर लेन, क्योंकि हर एक जगह कभी भी अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमेशा पर लेन के हिसाब से ही करेंगे। तो पर लेन इज इक्वल टू डेंसिटी की जगह वन अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे और इनटू क्या हो जाएगा, स्पेस मीन स्पीड, क्या हो जाएगा दोस्त, स्पेस मीन स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पेस मीन स्पीड, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, does when space headway is such that, does when space headway is such that it has a minimum value, it has a minimum value, space headway is such that it has a minimum value ensuring ideal roadway and traffic condition comma the traffic volume, एक सेकंड रुकिएगा,
लिखिए, does when space headway is such that it has max, it has minimum value, minimum ensuring value, या minimum value ensuring ideal road, ideal road, है ना, ideal road, way and traffic condition, and traffic condition, and traffic condition, and traffic condition, लिखिए, comma, the traffic volume will be maximum, 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 full stop. This maximum value of volume, this maximum, this maximum, this maximum value of volume, this maximum value of volume is called maximum theoretical capacity, maximum theoretical capacity, maximum theoretical capacity. ठीक है, तो अगर दिखाया जाए थियोरेटिकल मैक्सिमम और बेसिक कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लेन, थियोरेटिकल, थियोरेटिकल और या थियोरेटिकल मैक्सिमम, थियोरेटिकल मैक्सिमम और बेसिक, और बेसिक कैपेसिटी ऑफ अ लेन, ऑफ अ लेन, तो किससे दिखाएंगे? पहली बात तो हम लोग अगर थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी को दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे? सी से. किससे? सी से. तो कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है, यहां पर 1000 का अलग अलग कंसेप्ट है मीटर में करने के लिए, 1000 वी अपॉन जो भी स्पेस हेडवे हो वो. और एक्चुअली में स्पेस हेडवे क्या है, एक्चुअली में स्पेस हेडवे क्या है? किस तरह अगर किसी रोड पे दो व्हीकल चल रहे हैं तो जनरली वैसे तो मुझे लेना चाहिए क्या, इसके पीछे से इसका पीछा, बट मैं ले कर लूंगा इसके सेंटर से इसके सेंटर से इसका, हाँ है ना. तो मुझे जो वैल्यू चाहिए मुझे कहां तक चाहिए? यहां तक की. और आपको याद होगा मैंने एक जगह पे ये चीज करवाई हुई थी. कहां पर? एक जगह मैंने ये सेम चीज करवाई हुई थी, और वो बताओ मुझे कि कहां पर करवाई गई थी. कैपिटल एस जो है अगर निकालना हो, कोई भी वेलोसिटी अगर चल रही है वी के साथ, कोई व्हीकल चल रहा होगा ना वी के साथ, तो वो कितना, एक्चुअली में तो ये डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, बट ये क्या है, एल बाई टू. ये क्या है? एल बाई टू. तो एस को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि दैट विल बी 0.7 टाइम्स ऑफ वी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल 6, बताया था एक जगह, हाँ है ना. तो वो उसी तरीके से निकाल के आता है. यहां पर सी लिख लीजिएगा कि सी क्या है. एल तो वो लेंथ ऑफ व्हीकल है, वी इज द थियोरेटिकल वेलोसिटी, बाकी 0.2 करके भी लिखवाया था केएमपीएच के लिए. तो सी क्या है? कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन. सी क्या है? कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन. और काय में आएगा कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन? द यूनिट विल बी व्हीकल पर आवर. भाई कैपेसिटी को किससे दिखाओगे? तो व्हीकल पर आवर. और वी क्या है? वी इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, दैट इज द स्पीड. वी क्या है? स्पीड ऑफ व्हीकल,
खाए में होगा, बोलो। द यूनिट विल बी, बचा एस। एस क्या है, एस है क्या है, या तो एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लिख लीजिए, या फिर स्पेस हेड पे। अगर कभी नहीं लिखा हुआ है तो ये लिखा मिलेगा, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल। समझ में आ रही बात, लिख लो बेटा। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बताओ, स्पीड पे यानी कि वेलोसिटी पे, एंड स्पेसिंग पे यानी कि स्पेस हेडवे पे, है ना प्रदीप? समझ में आ रहा है बेटा तुमको, तुम पूछते नहीं हो कुछ भी। एक सेकेंड, चलिए देखिए, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी फ्रॉम टाइम हेडवे। हाँ जी, एक तो लिखवाया मैंने स्पेस हेडवे से, देखो फ्रॉम स्पेस हेडवे, दूसरा वाला सेकेंड वन फ्रॉम टाइम हेडवे। फ्रॉम टाइम हेडवे, फ्रॉम टाइम हेडवे। देखिए इसके नीचे, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट विद इंक्रीज इन स्पीड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम, विद इंक्रीज इन द ट्रैफिक स्ट्रीम, विद इंक्रीज इन द ट्रैफिक स्ट्रीम, the time headway decreases,
द टाइम हेडवे डिक्रीजेज, द टाइम हेडवे डिक्रीजेज एंड आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम वैल्यू, एंड आफ्टर रीचिंग अ मिनिमम वैल्यू, अ मिनिमम वैल्यू एट एन ऑप्टिमम स्पीड, एट एन मिनिमम वैल्यू एट एन ऑप्टिमम स्पीड कॉमा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग देयरफोर, देयरफोर therefore, therefore, maximum theoretical capacity of a traffic lane, therefore, maximum theoretical capacity of a traffic lane may be obtained, may be obtained if the minimum headway, if the minimum headway HT is known, minimum headway HT is known. So यहाँ पर लिखेंगे volume is equal to 1 upon time headway. Volume is equal to 1 upon time headway, हमें पता है कि नहीं पता? Volume is equal to 1 upon टाइम हेडवे, वही एवरेज टाइम हेडवे हमें पता है. ये बोलो हाँ सर हमें पता है, बोलो जी. और अगर हमें ये पता है, और अगर हमें ये पता है तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मैंने अभी भी लिखवाया कि मैक्सिमम, मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी किसके बराबर होगी? वन अपॉन मिनिमम टाइम हेडवे के. बोलो हाँ है ना? मैंने बोला ना कि जितना ज्यादा टाइम हेडवे कम होगा उतना ही ज्यादा थियोरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटी बढ़ेगी. और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मैं रखना चाहता हूं आर पर व्हीकल, नहीं रखना चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं सेकंड पर व्हीकल. या फिर एक काम करिए, पहले मैं एक काम करता हूं आर पर व्हीकल लिखता हूं, आर पर व्हीकल लिखता हूं. और जैसे ही मैंने आर पर व्हीकल लिखा वैसे ही मेरे को दोबारा लिखना पड़ा, मैं चाहता हूं सेकंड के टर्म में. तो मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी इज इक्वल टू आर की जगह क्या हो जाएगा भाई? 3600 डिवाइड बाय मिनिमम टाइम हेडवे. लेकिन अब जो आप मिनिमम टाइम हेडवे पुट कीजिएगा वो सेकंड पर व्हीकल में पुट कीजिएगा. बोलिए हाँ है ना? तो सी से इसको दिखाते थे 3600 ये हो गया डिवाइड बाय एच टी. लिख लीजिए Thank you.
हुआ। अगला लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम। नीचे लिखिए एज पर ग्रीन शील्ड द रिलेशन बिटवीन काय काय के बीच में पढ़ रहे हैं हम, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज अ लीनियर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, डेंसिटी, और यहां पर स्पेस मीन स्पीड, यहां पर स्पेस मीन स्पीड, यहां पर स्पेस मीन स्पीड। क्लियर है मेरी बात? कि डेंसिटी को कैसे दिखाते, उसको वीएस से दिखाते, डेंसिटी को कैसे दिखाते, कैसे, और स्पेस मीन स्पीड को वीएस से। ठीक है, यहां पर जब मैक्सिमम की वैल्यू की बात करेंगे तो वो वीएफ कहलाएगा, यहां पर वीएफ कहलाएगा फ्लो वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, और यहां केजे कहलाएगा जिसको जाम डेंसिटी बोलते हैं, केजे जाम डेंसिटी। ठीक है, जाम डेंसिटी, जब जाम लग जाता है उस टाइम की डेंसिटी। केजे इज इक्वल टू जाम डेंसिटी और वीएफ इज इक्वल टू फ्री फ्लो फ्री फ्लो वेलोसिटी। और ये कैसा है, अज्यूम्ड है कि पर्टिकुलरली रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस मीन स्पीड एंड डेंसिटी इज लीनियर पूछा जाता है। और यहां से अगर मैं रिलेशनशिप लिखना चाहूं तो वीएस इज इक्वल टू वीएफ माइनस वीएफ अपॉन केजे इंटू के आता है, सॉरी इंटू है माइनस नहीं, इंटू के आता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप। और सारी चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि कौन सी चीजें यहां पर क्या है। नॉर्मल के जो है वो डेंसिटी है और केजे जो है वो जाम डेंसिटी है। सही बात है, एंड वी नो दैट, हमें यहां से पता है आगे क्या पता है बताओगे तुम लोग, वी नो दैट जब मैं बात कर रहा था किस चीज की, ट्रैफिक वॉल्यूम की, क्या जब मैं बात करता हूं दोस्तों ट्रैफिक वॉल्यूम की, तो ट्रैफिक वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूं किससे, क्यू से, तो क्यू इज इक्वल क्या होता है, अरे यार रिलेशनशिप क्या होता है जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ये ट्रैफिक वॉल्यूम इनटू ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेस मीन, अरे बताया था कि नहीं बताया था, स्पेस मीन स्पीड, भूल गए इतनी जल्दी, अभी आज की बात है, स्पेस मीन स्पीड, ग्रीनशील्ड नाम है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया था, स्पेस मीन स्पीड इनटू क्या,
डेंसिटी भूल गए, ये वीएस है और ये के है, इसीलिए तो पढ़ाया था। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर इससे ये क्या निकल के आया, वीएस। तो अगर मैं क्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो क्यू का फॉर्मूला बनता है स्पेस मीन स्पीड यानी कि वीएस और इनटू के। फ्रॉम हेयर इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू वीएस की जगह वीएफ माइनस वीएफ अपॉन केजे, वीएफ अपॉन केजे इनटू के और इनटू के, तो वही दिक्कत नहीं है कोई भी, किसी को बोलो हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। यहां से मैं अगर आगे लिखूं तो मैं एक टर्म और लिख सकता हूं कि Q इज इक्वल टू VF, क्यू इज इक्वल टू वी एफ इंटू के माइनस वी एफ अपॉन के जे इंटू के स्क्वायर, एंड द इक्वेशन सेज दैट इट इज द पैराबोलिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनी है ये कैसी बनी है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, द रिलेशन बिटवीन फ्रॉम हेयर कैन आई से लाइक दिस द रिलेशन बिटवीन, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा उसी को दिखाने के लिए, तो द रिलेशन पैराबोला की इक्वेशन है कि नहीं है, बोलो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, कभी भी स्क्वायर आ गया किसी भी टर्म में तो वो किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन। तो द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, वॉल्यूम एंड क्या ये क्या है, के जो है वो क्या है, डेंसिटी के पे ही तो स्क्वायर है ना। तो द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी पूछा जाएगा बहुत बार, डेंसिटी विल बी कैसा, बोलो, पैराबोलिक। तुमको समझ में आ रही है ना ये सब बातें, धीरे धीरे करके कि नहीं आ रही हैं, ज्यादा हो रहा है क्या लेवल, पक्का दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, तुम एसएससी जेई पढ़ाना था क्या, पक्का ना। एक्चुअली क्या है कि मैं लिखवाने को लिखवा दूं सीधा सीधा फाइनल रिजल्ट, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी कि तुम पूछोगी भी ना तो मेरे को बताना शुरू से ही पड़ेगा, तो मैं पूरा ही करवा देता हूँ उससे। अच्छा कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जो पार्ट हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर, वो मैंने छोड़ दिया है इसी क्लास को, नहीं तो हम और लॉन्गर बना सकते थे, ठीक है, डिटेल में, और डिटेल में जब बेसिक जाते तो वो और ज़्यादा होता, लेकिन वो मैंने थोड़ा छोटा छोटा करके वो लिया हुआ है। अब यहाँ से अगर पैराबोलिक आ रही है तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, देखो ग्राफ बताओ किस किस के बीच बनेगा, ग्राफ बनेगा सर दो चीजों के बीच में, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब ये बताइए दोस्तों, वॉल्यूम डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी वॉल्यूम पर, वॉल्यूम डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी वॉल्यूम पर, डेंसिटी वॉल्यूम पर, कितने लोग बोलते हैं वॉल्यूम कर रहा है डेंसिटी पर, अरे यहां देखो वॉल्यूम कर रहा है डेंसिटी पर, यहां देखो वॉल्यूम कर रहा है डेंसिटी पर, तो वाई एक्सिस पे कौन आएगा, वाई एक्सिस पे कौन आएगा और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा, वाई और एक्स पे कौन 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 कौन, वेरी गुड, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम आएगा, क्यों, क्योंकि सर वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड द रिलेशन इज पैराबोलिक, एंड द रिलेशन इज पैराबोला, क्या बोला, सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर नहीं है, पैराबोला है, लिख लेना पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, क्लियर है। लास्ट पॉइंट ये वाला जो दिखा रहे हैं हम लोग उसी को दिखा रहे हैं के जे से, तो इस पॉइंट को मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, जीरो से के जे तक, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक बना सकते हैं, हाँ है ना।
चलिए एक सेकेंड और रुकिए, इसी टर्म को मैं यहां पर दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं, इसी को मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा के दोबारा लेके आऊं, है ना। लेकिन ऐसा ही टर्म एक और आएगा कि Q इज इक्वल टू, एक टर्म और आएगा लाइक दिस, मैं लिख रहा हूं यहां लाइक दिस, Q इज इक्वल टू अगर मैं सॉल्व करूं तो ये भी निकल के आएगा क्या, KJ इंटू VS, KJ इंटू क्या VS माइनस KJ अपॉन VF इंटू VS का स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये भी निकल के आ सकता है अगर हम चाहें तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिलेशन भी प्रूव्ड है ना, होता है, मान लीजिएगा आप लोग तो होता है, अदरवाइज मैं करा दूंगा किसी को लगे तो, ठीक है। अब अगर ये रिलेशन होता है तो ये रिलेशन किसके बीच में, फिर से वॉल्यूम एंड किसके बीच में, वीएस के बीच में यार, स्पीड के बीच में, वॉल्यूम एंड स्पीड के बीच में। अब स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे कि किस पे, यहां थोड़ा सा अलग है, इक्वेशन निकल के आई है, लेकिन स्पीड डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, स्पीड डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पर। हाँ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ बताओ तुम, मतलब मैंने बोल दिया तो तुमने मान लिया, बोले हाँ ठीक है ठीक है चलो। हाँ यहां पर भी जो कर्व बनेगा, लेकिन कर्व कैसा बनेगा, अभी भी पैराबोलिक, अगर देखा जाए तो दो चीजों के बीच में, स्पीड एंड वॉल्यूम के बीच में दिखाया जाए तो पैराबोलिक बनेगा। लेकिन इस कर्व को बनाने का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं, हम नीचे से नहीं बनाते, बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताबों में जो दिया हुआ है मैं आपको वो बनवा रहा हूं। अब यहां पर Q जो है वो क्या है, वॉल्यूम, लेकिन दिखाते हम यहां है, कर्व से उल्टा लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां किसको दिखा रहा हूं मैं, स्पीड को। लेकिन अभी भी कर्व भले ही हमने उल्टा कर दिया, भले वैसे बना लीजिएगा आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन एक्चुअल तो यही बनेगा। हाँ भाई डिपेंड तो वही करेगा ना, रिलेशन तो वही रहेगा, नथिंग इन सब, देख लेना बेटा इसको भी पैराबोला। क्लियर है मेरी बात, अब जो दिखाया जाता है वो मैंने लिखा हुआ बनाया दिया है, बाकी आप उस तरीके से वापस दिखा सकते हैं। इतना हो गया, अब आगे लिख दूं कि नोट डाउन करोगे, पहले एक साथ नोट डाउन कर लेंगे, चलो। तो मैं वेरियस कंडीशंस में कुछ चीजें लेके आ रहा हूं, लिखेंगे यहां पर मैंने लिखा वेरियस कंडीशन, बजाय छोटू का तो पता नहीं क्या कह रह जाएगा। अगला वेरियस कंडीशंस, कंडीशंस वेरियस कंडीशंस। नाउ यहां पर अगर देखा जाए तो पहला हम निकालने जा रहे हैं टू फाइंड डेंसिटी एट मैक्सिमम फ्लो, जो मैं पहला निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड क्या डेंसिटी कब एट, कब बताओ, एट मैक्सिमम फ्लो। जब भी कभी बात आएगी इस दुनिया में मैक्सिमम एंड मिनिमम की, अब जब मैक्सिमम फ्लो मतलब क्या है, एक और लिख लेना, दैट इज कुछ और नहीं निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं। जब भी कहा बात आती है मैक्सिमम मिनिमम की, जिन लोगों ने 11 12th किया हुआ या थोड़ा सा पहले भी सीबीएसई में तो आ जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्यू का रिलेशन मेरे पास ऊपर था, उसको अगर मैं डेंसिटी के टर्म में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, तो मुझे मैक्सिमम फ्लो की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मैं लिखूंगा यहां फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम
फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? डी क्यू अपॉन डी के शुड बी इक्वल टू जीरो. डी क्यू अपॉन डी के शुड बी इक्वल टू जीरो. हाँ है ना? नो. तो अगर ये लिखा मैंने तो डी क्यू अपॉन डी के, तो क्यू की वैल्यू तो मुझे पता है. क्यू क्या लिख के आया था मैं ऊपर, बताओ क्या लिख के आया था? क्यू वी एफ माइनस वी एफ माइनस वी एफ अपॉन के जे इंटू के हर के, ये लिखा था. इसी को मैं क्यू को दूसरे तरीके से भी लिखा था मैंने ऊपर, तो यहां मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूं, और बढ़ा भी क्यों रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रहे कि इक्वेशन डायरेक्टली नहीं आई है. ओके का स्क्वायर फ्रॉम दिस दिस, मैं इसको साइड में कर लेता हूं इधर. ठीक है मेरा बात, यहां से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां इधर. सो यहां पर अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? डी और क्यू की जगह ये पूरा का पूरा वी एफ के माइनस वी एफ के जे के स्क्वायर अपॉन डी के, क्योंकि क्यू की जगह तो मैंने ये लिख दिया, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो. फ्रॉम हेयर इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस, अगर उसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो निकल के आता है वी एफ माइनस टू के इंटू वी एफ अपॉन के जे और दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. फ्रॉम हेयर क्या आप मुझे केजे को के के टर्म में बता सकते हैं? क्या आप मुझे केजे को के टर्म में बता सकते हैं? अगर मैं आगे लिखूं तो वी एफ इज इक्वल टू टू के इंटू वी एफ अपॉन के जे. बोलिए हां, यहां से वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा. बोलिए हां. सो फ्रॉम हेयर कैन वी से दैट, आगे यहां क्या बचा? वन नीचे आ गया था ना, तो ये क्या बचा? 2k into 1 upon kj. So from here, if I say kj is equal to, या k is equal to kj by 2, क्या ये सत्य है? So मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे डेंसिटी फाइंड करनी है एट मैक्सिमम फ्लो, तो k is equal to kj पुट करना चाहिए मुझे. पुट करेंगे ना, अभी तो कहां आया है? अभी तो मुझे वो वैल्यू मिली है जिस वैल्यू के ऊपर वॉल्यूम जो है, यानी कि मैक्सिमम फ्लो जो है वो मैक्सिमम, मतलब फ्लो जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा. हाँ है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां पर, दस मैक्सिमम फ्लो विल अकर एट डेंसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ जाम डेंसिटी? कैन आई से? तो मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, दस मैक्सिमम फ्लो दस मैक्सिमम फ्लो, और मैक्सिमम फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज वॉल्यूम. दैट इज वॉल्यूम. दस मैक्सिमम फ्लो दैट इज वॉल्यूम कहां पर पाया जाएगा? विल अकर विल एक सेकंड रुकिएगा.
चलिए, व्हाट वाज वी सीइंग, दस मैक्सिमम फ्लो विल अकर व्हेन या एट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हाफ ऑफ जाम डेंसिटी। क्या ये सत्य है? हाँ सर, ये सत्य है। तो टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो, मैं नीचे लिखता हूं, सीधे मैं कर ही देता हूं इसको एक बार। टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो क्या लिखेंगे? टू फाइंड मैक्सिमम फ्लो के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? के जे बाय टू। सो फ्रॉम हेयर क्यू इज इक्वल टू वी एफ इंटू के माइनस वी एफ अपॉन के इंटू के जे। अब क्या पुट करें, के जे इज इक्वल टू के या फिर के इज इक्वल टू के जे बाय टू? अच्छा सॉरी, हाओ भैया जिका आएगा और जिका आएगा, सही लिखा है जे, लो ठीक है। नाउ पुट करें वैल्यूज काय की, के इज इक्वल टू के जे बाय टू की। तो पुट द वैल्यू, k इज इक्वल टू के जे बाय टू। तो पुट करो q इज इक्वल टू वी एफ इंटू के की जगह के जे बाय टू माइनस वी एफ अपॉन के जे की जगह कुछ नहीं के जे और इंटू के जे के की जगह के जे स्क्वायर बाय फोर। कोई दिक्कत किसी के पेट में पानी नहीं तो हुआ? चलो भैया आगे। छोटू बेटा तुम हो कि निकल लिए? तो q इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से, वी एफ के जे बाय टू। के जे से एक के जे अल्लाह के पास चला जाएगा और क्या बचता है? माइनस वी एफ के जे बाय फोर। अब सिर्फ छोटू बताएगा कि छोटू क्या आंसर आएगा, सिर्फ छोटू बताएगा कि यहां पर आंसर क्या आएगा। बताओ छोटू, हैं कर लो माइनस करो जल्दी। छोटू जल्दी बताओ क्या आएगा, भैया बताओ, बता दो, नहीं बताएंगे। चलो क्या आएगा, ये चार ऊपर पहुंचेगा, दो दूना चार दो ऊपर पहुंचेगा तो आंसर विल बी वी एफ के जे। अरे यार रुको, पूरा ही लिख रहे हैं हम, अच्छा नहीं लग रहा। वी एफ के जे बाय टू नहीं, फोर आएगा। छोटू तुम हो तो ये बताओ कैसे आया, छोटू बताओ हैं, करके दिखाओ कॉपी में, बाकी सब लिख लेंगे तब तक, कॉपी में करके दिखाओ मुझको। चलो कहां से लिखना था, इतना लिख लो जब तक, छोटा नहीं हो रहा क्या, और ऊपर बस, और ऊपर। चलो लिख लो जहां से लिख लो। छोटू तुमने कहां से लिखा? छोटू तो आगे तक लिख चुका होगा, पूरा ही हो गया बल्कि छोटू का, तो मैं जानता हूँ छोटू को, छोटू का पूरा हो जाता है।
चलो वाह बहुत चलो फिर इसको लिख लीजिएगा है ना, आज के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास में देखेंगे, एक क्वेश्चन भी कल की क्लास में ही आके करेंगे इसका, ठीक है? एक काम कीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि ये लिखते रहिएगा, लिखिए ज़रा करके लेके आइएगा, लिखो लिखो। द स्पीड रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर द स्पीड रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर रोज रोड वॉज फाउंड टू बी स्मॉल यू इज इक्वल टू स्मॉल यू इज इक्वल टू 42.76 42.76 माइनस 0.22 के ठीक है? बस मैंने इतना बोला है, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूं। और यहां पर जो चीजें वो वही रहेंगी, सीधे सीधे आपको मैक्सिमम फ्लो निकाल के लाना है, ठीक है? फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो, इतना लिख लीजिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो, फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो, ठीक है जी? हो गया ये पूरा, ठीक है? अब तो हो ही जाएगा, बस इतना ही है और कुछ है नहीं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।